असलकम वरह लि आप सब कैसे हैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे इन और अगर अगरचे मैं जब से चैनल मैंने बनाया रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाती हूँ वीडियोस इसके लिए कोशिश होती है ख्वाश भी होती है मगर नहीं मैनेज कर पाती आज मैं बड़ी प्यारी सी बात छोटी सी मैं सोचा काफ़ी दिन से फिर कुछ नहीं किया तो अब मैं टाइम मैनेज करने की कोशिश करती हूँ मगर एक खूबसूरत सी छोटी सी एक वीडियो के साथ आपके साथ ना दोबारा से कनेक्शन मेरा हो स्टार्ट तो पहले कि मैं फूल इसलिए आपको दिखा रही हूँ यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया है ये फेरी लाइट्स भी जो दिखाई दे रही हैं कि दो दिन पहले मेरे फ्रेंड्स आई हुई थी और हम लोग हमारा मीटअप था और बेसिकली दूर श्रीफ पेश करने का था एक इकट्ठे होकर बहाना हमारा एक ग्रुप है अपना और जिसमें हम सिर्फ दरुदो सलाम इस सबकी चीज़ें करते हैं इस मिरर के साथ जो डबल वाली दूसरी लाइन थी ना फेरी लाइट की वो फ्यूज़ हो गई इतनी ज़्यादा वेस्ट होती हैं ये बहुत नाजुक सी होती हैं लेकिन मैंने कि अभी और लाऊंगी अब शब बारात भी आ रही है उसके लिए भी थोड़ी देर पहले मेरा बेटा यहाँ बैठा अपने को ये कार्टून टाइप वीडियो को देख रहा था और आज मैं आपको ना ख़ास अपने दो फ्रेंड से मिलाना चाहूँगी दो फैमिली मेम्बर से मिलाना चाहूँगी क्योंकि अक्सर कई बार फ्रेंड ने मुझे कहा पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा थे ये लोग और फिर लेकिन अब नहीं हैं उस पर भी किस वक्त बताऊँगी शेयर करूँगी कि क्यों कम है अब तो वो जो है ना ये जब भी मैं कोई वीडियो करती हूँ तो आ, मतलब सब लोग फील करते हैं कि बैकग्राउंड में इनकी आवाज़ें आ रही होती हैं <laughs> ये अपना हिस्सा ज़रूर उसमें शामिल करते हैं ये लोग तो ये मैं आपको मैं लाती हूँ राजा और रानी से ये देखिए अच्छा जब मैं इनके कैमरा इन पे लाती हूँ ना ये शोर नहीं करती हैं और अभी आपसे बात करते करते जब मैं थोड़ा साइड पे हो जाऊँगी ना तो फिर देखिएगा इनके वहाँ से पीछे से आएंगी कि भई अब कहाँ गई हो आप ये हैं राजा और रानी ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और सब हमारे फैमिली मेम्बर्स के लाडले हैं ये देखिए इनके पास भी मैंने ये लाइट इधर एक हैंग की हुई है क्योंकि जब मैं अपनी फ्रेंड्स ने आना था तो मैं ये कर रही थी ना चीज़ें लाइट वगैरह तो ये जिद कर रही थी कि हमारे लिए हमारे करीब भी करो इनको सामने मिरर में से नज़र आती है ना अब यकीन कीजिए ये जो पेट होते हैं ना जो लोग रखते हैं उन्हें तो इलम है तो ये अपनी हर बात ये लोग समझा भी लेते हैं अपनी खुशी अपनी परेशानी शेयर करते हैं अपनी बातें मनवाते हैं बताते हैं समझाते हैं ये देखिए अब एक फ्रंट पे आ गई है स्वीटू ये देखिए वो खुश हो रही हैं कि मैं उन्हें कैप्चर कर रही हूँ और उनके बारे में बात कर रही हूं वो बड़ी अच्छे से ये बात समझ रहे हैं ठीक है जी ये हैं वो दोनों हीरो हीरोइन हीरो जिनकी आवाजें आप सुन रहे होते हैं मेरी वीडियोस की बैकग्राउंड में और अक्सर मैं व्हाट्सएप पे भी कोई वॉइस नोट करती हूँ तो ये अपना बीच में शोर इन्होंने मचाया होता है अब एक और मैसेज है ये देखिए इधर आ जाइए ये आपको एक मिट्टी का मटका नजर आ रहा है इनके एक साइड पर ये मैंने फ्लावर्स आर्टिफिशियल रखे हुए ताकि ये अच्छा फील करें और दूसरे साइड पे ये फ्रेश जो है दो तीन ब्रांचेस मैंने रखी हुई हैं मनी प्लांट की ये मेरी माँ ने मेरे घर में मनी प्लांट लगाई थी और मैंने उनके निशानी करके मैं इन्हें अपने साथ जू रखती हूँ और बाहर पोश में भी हैं वो भी आपको दिखा दूँगी किसी वक्त और ये अंदर मैं बॉटल में मैंने रखा हुआ और ये जो बॉटल के ऊपर ये जो फूल लगा हुआ है ना ये मेरी एक दोस्त ने एक रोज़ मुझे शरारत से और प्यार से दिया हमारा कोई मीटअप था तो वहाँ पर वो मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं निकलने लगी थी तो मैं ऐसे मुझे शबानों आप याद आई मुझे प्यार आया और मैंने कहा मैंने ये फूल उठा लिया <laughs> और तोहफे जो होते हैं ना मोहब्बतें जो होती हैं वो ऑनर देने के लिए होती हैं क्योंकि वो खुद एक ऑनर होती हैं ये तो वो हो गया और ये जो पास मिट्टी का मटका पड़ा हुआ है ना ये आप देख रहे हैं आप ये ना सोचें कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ सदका सदका देखिए अल्लाह पाक का भी हुक्म है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलम की भी नसीहत है फरमान है तलकीन है और मौलानी की भी यही नसीहत है कि सदका जो है बलाओं को दूर रखता है वबाओं बीमारियों तकलीफ़ों परेशानियों नज़रबंद हर नगेटिव चीज़ जो है ना हर शर वाली चीज़ उससे हमें सद का महफूज़ मामून फरमाता है तो अब देखिए इसको मैंने अपने घर में इस जगह पर रखा है सपोज़ ये दो बेडरूम्स हैं इस तरफ ठीक है और यहाँ से निकल के हम आते हैं तो फैमिली मेम्बर्स तो सबसे पहले इधर किचन में आना होता है पानी पीने बच्चों के रूम्स ऊपर हैं वो भी आते हैं तो ज़ारा है उन्होंने पानी तो पी के मतलब हर घर में पानी सीढ़ी स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर यहीं से फिर एंट्रस्ट स्टोर इधर से बाहर निकलना होता है ये लाउंज एंड्रेस के आगे तो मतलब ये कि ये सेंटर होता है ना लाउंज जो होता है घर का और किचन के करीब स्पेशली आपको सदका के लिए अरेंजमेंट करके इस तरह मेट ये फातमी सदकात में से है ये राइट कि इसके अंदर आप डेली जब डे स्टार्ट करें घर में अपने यानी जब आप बेडरूम से बाहर आए हैं तो आप सबसे पहले इसमें सदका जो है वो डालें उसके बाद अब जब आप घर से बाहर जाने लगे हैं यानी डेली रूटीन में बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं मैन अपनी जॉब पे बिज़नेस ऑफिस वटैवर वो जा रहे हैं आप कहीं जा रही हैं वेमेन काम से आ, मतलब घर से अपने बाहर निकलना है तो उसमें अलग से इसमें सदका आपने डालना है यानी डेली रूटीन में एक अलग होगा और जो आपने घर से बाहर जाना है सफ़र पे जाना है वैसे अपने कामों के लिए जाना है तो वो अलग सदका इसमें डालें अब यकीन कीजिए अल्लाह पाक इस तरह हर तरह के शर शर्स महफूज व मामून फरमाता है कि आपकी सोच है अब ये एक जनाब ब्रेड खाने लगे गए कि उन्होंने देखा कि हमारे करीब ही खड़े हैं हाँ थोड़ा सा मैं अभी सपोज साइड पे जाके बैठूंगी तो फिर ये जो है ना थोड़ा वो करेंगी बात करेंगी और हो सकता है शोर भी करें ये अब आपको आवाज़ आई होगी <laughs> अब ये, ये उन्होंने फील किया है कि अब मैं साइड पे जाके बैठ रही हूँ और अब मैं किसी और से बात कर रही हूँ किसी और बारे में कर रही हूँ ये इस तरह अटैच्ड होते हैं ये लोग तो इनके आवाज़ों से अपने घर को ना अपने यानि हम अफराद तो अल्लाह सबको सलामत रखे होते ही हैं अल्लाह की इन मखलूक़ात को भी अपने करीब रखा करें इनकी खिदमत किया करें ये आपके लिए दुआएँ करते हैं और आपके लिए अल्लाह से मफ़रत तलब करते हैं जब ये खुश होते हैं राज़ी होते हैं यस पे भी लुकिया नहीं जी अब मोबाइल इनकी तरफ मैंने टर्न किया है वो रिलैक्स हो गए ठीक है जी <laughs> तो ये मैंने सोचा आज मैं ये छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ ये वाली बातें शेयर करूँ सदका का मैसेज भी चला गया अल्लाह की मखलूक की खिदमत और उनसे दुआएँ लेने का मफफरत की और रहमत की वो भी मैसेज चला गया और अब आप कार्टून देखें या आप कोई भी प्रोग्राम देखें अपने काम करें खाने बनाए जो बसी करें फ़ी अल्लाह हाफ़ फ़ी अमान असलकुम